हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीटीएल बैच 2019। हम हैं स्कीम्स के सेक्शन में एंड आज से हम हमारा एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हर रोज आपको कोई ना कोई एक गवर्नमेंट स्कीम कवर कराएंगे। राइट, आई होप आप हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन, दैट इज जो लेवल 2 हमने आज से शुरू किया है, उसे फॉलो कर रहे हैं। राइट, तो आई होप you're enjoying the classes, you're attending the classes. Now, along with polity, there is one very important thing जो आपको cover करनी है, which is your schemes. I hope आपको पता है कि government जितने भी benefits governance के लिए पूरी जनता को हमारी country की दे रही है, that is only via schemes. इसीलिए schemes कहीं ना कहीं आपके exam का बहुत important part बन जाती है, right? तो हमने क्या किया, we have analyzed the papers and what we have realized is कि स्कीम्स एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट है आपके पेपर का जो हर साल एग्जाम में आता है। राइट, तो अगर आप स्कीम्स को एनालाइज करें तो यू वुड रियलाइज कि गवर्नमेंट हर स्कीम के बारे में कुछ पेज का डॉक्यूमेंट निकालती है। राइट, और उस डॉक्यूमेंट में उस स्कीम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रहती है, विच मीन्स कि स्कीम एक ऐसा क्लोज एंडेड टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस की उम्मीद नहीं रहती है। विच मीन्स कि अगर आपको किसी स्कीम के बारे में 20 पॉइंट्स हैं और आपको सारे के सारे पॉइंट पता हैं, तो देर इज नो वे कि आप वो सवाल गलत कर सकते हैं। राइट, तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो हर प्रीलिम्स में 3 से 4 सवाल किसी ना किसी स्कीम पर आते ही आते हैं। दैट मीन्स 3 सवालों का मतलब है 3 × 2, ये 6 ऐसे नंबर हैं जो आपको किसी भी तरह सही करने हैं। राइट, बिकॉज दिस एड्स टू योर मेरिट, ये सवाल आपकी गलत नहीं होने चाहिए। सो विल मेक श्योर कि एटलीस्ट वो सेक्शन जहां पे गलती की उम्मीद नहीं है वो आपकी कंप्लीटली कवर हो जाए। उसी चीज में अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में हर साल किसी ना किसी स्कीम का एनालिसिस जरूर आता है, विच मीन्स कि जितनी भी स्कीम्स हैं अगर आपको उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता है, उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसका एनालिसिस, तो देर इज नो वे कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ के आए या गलत करके आए। राइट, तो इट मीन्स प्री और मेंस में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नाउ हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस किया है प्रीलिम्स और मेंस को देख के कि जरूरी नहीं है कि आपके 100 के 100 सवाल उसी ईयर की स्कीम से पूछे गए हों। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी होते हैं कि हर पेपर में 5 से 6 सवाल पिछले साल के करंट अफेयर्स से होते हैं। राइट, जिस तरह आपने अगर इस साल का पेपर दिया हो 2018 में, तो कुछ ऐसे भी सवाल थे जो कि पिछले साल के करंट अफेयर्स में थे, जो कि लोगों ने इस साल एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो हम उन सभी गलतियों पे काम करेंगे जो कि एक आम एस्पिरेंट कर सकता है। तो व्हाट वी हैव थॉट इज कि जितनी भी स्कीम्स हमने पिछले साल में कवर की हैं वो सारी स्कीम्स हम आपको अगले कुछ दिनों में कवर कराएंगे। एंड वंस पिछले साल की सारी स्कीम्स कवर हो जाएं, फिर हम धीरे धीरे इस साल की स्कीम्स को भी कवर करेंगे। आई होप आप इकोनॉमी लेक्चर्स देख रहे हैं, उसमें भी हमारा यही प्लान है कि आपके पिछले साल के करंट अफेयर्स प्लस इस साल के करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएं। दैट वे आप एक साल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि 2 साल की प्रिपरेशन को एक प्रिपरेशन में कर रहे हैं। सो ऑल यू नीड इज आपकी एक्स्ट्रा मेहनत। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज के हमारे स्कीम्स के सेक्शन में क्या है। तो आज की आपकी स्कीम होगी कुसुम स्कीम। राइट, सो मेक श्योर इनके आपके नोट्स अलग हो, प्रिपेयर्ड हो, और एक कंप्लीट आपकी नोटबुक हो जिसमें आपने सिर्फ स्कीम्स के बारे में लिखा हो, सो दैट वाइल रिवाइजिंग एटलीस्ट यू नो कि यही कुछ स्कीम्स हैं जो मेरे पिछले 2 सालों में आई हैं एंड यू नीड नॉट लूज एनी मार्क्स फ्रॉम दैट। सो जस्ट सम इन्फॉर्मेशन कि ये सारी स्कीम्स, क्योंकि अभी हम आपको पिछले साल के करंट अफेयर्स से शुरुआत करके इस साल के करंट अफेयर्स तक ले जा रहे हैं, तो हमारे YouTube वीडियो से सोर्स की गई हैं। राइट, सो एंजॉय द क्लास गाइस, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, बाय बाय।